है गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आप सभी का स्वागत है आरएल क्राफ्ट की और एक नई वीडियो में। तो पहले हम लोग खाना खा लेते थोड़ा सा। तो आप सभी का स्वागत है गाइस आरएल क्राफ्ट की और एक नई वीडियो में। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस, मेरे पास पिछली बार में हाथी एक स्पॉन हो गया था, मतलब हाथी आ गया था। तो आरएल क्राफ्ट में सच में अजीब अजीब जानवर, मतलब अजीब अजीब से क्रीचर भी है। तो ये नहीं पता क्या क्या स्ट्रक्चर इन लोगों ने बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे तोड़ के देखते हैं बीच में, अगर शायद कुछ मिल जाता है तो, क्योंकि सारा चीज़ बीच में होता है। तो नहीं है कुछ गाइस, तो चलते हैं हम लोग अपना घर में, जो घर हम लोग ने बनाया था। तो बहुत अजीब अजीब चीज़ें स्पॉन हो चुकी है, ये देख सकते हैं गाइस। ये क्या है? अरे गाइस, बहुत ये क्या है गाइस, कितने अजीब अजीब क्रीचर यहाँ पे घूम रहे हैं। तो बहुत अजीब अजीब क्रीचर है गाइस सच में। तो मेरा घर कहाँ पे चला गया? तो गाइस, आज हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करने वाले, मतलब एक्सप्लोरेशन पे जाने वाले हैं अपना। तो यहाँ पे एक ट्रेडर है, वेंडरिंग ट्रेडर है। तो हम लोग को एक लेड भी चाहिए, तो वेंडरिंग ट्रेडर को मार के हम लोग को लेड मिलेगा। तो ट्रेड करके देखते हैं ये क्या क्या दे रहा है। तो ये इससे भी ट्रेड करता है, तो नहीं चाहिए अभी हम लोग को भाई कुछ इसी चीज़ से। मर जा भाई तू, मर जा भाई, मर जा, मर जा, तुम मर जाओ भाई, मर जाओ, तुम भी मर जा। तो सेडल मिला और लेड भी मिल जाएगा। यस, लेड और सेडल मिल गया। तो हम लोग रख लेते हैं इसको और चलते गाइस। आज का वीडियो में हम लोग गाइस एक्सप्लोरेशन करने वाले, मतलब एक्सप्लोर पे जाने वाले हैं, एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो मैं एक्सप्लोर पे एक्सप्लोर करने के लिए, मतलब इस माइनक्राफ्ट कॉल को, तो अपनी चीज़ें बना लेता हूँ और अपना मतलब कोऑर्डिनेट्स को भी ऑन कर लेता हूँ। तो चीज़ें बनाते हूँ तो वीडियो को सीधा स्किप करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो कोऑर्डिनेट्स भी ऑन कर देते हैं, तो वीडियो को सीधा एंड करते हैं अभी, मतलब। तो गाइस, हम लोग जाने के लिए रेडी है। तो मैंने थोड़ा सा सामान ले लिया, मतलब खाने का सामान ले लिया है। और ये क्या है? तो खाने का थोड़ा सामान ले लिया है ताकि हम लोगों को रास्ता में भूख लगे तो हम लोग खाना खा सके। तो अभी तो मैं अपनी बना सकती, क्योंकि रेड स्टोन की जरूरत पड़ेगा और हमारे पास रेड स्टोन तो है ही नहीं। तो चलते गाइस, थोड़ा सा एक्सप्लोर करके देखते हैं हम लोगों को क्या मिलने वाला है। तो अगर अच्छा जगह मिलता है तो ये वाला तो टेम्पररी हाउस मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो ये सब कैसे टूट चुका है नहीं पता। तो इसमें गजब गजब मॉब भी है जो अपने आप फट जाते। तो इसके अंदर क्या है? अरे तो इसको, तो ये कैसे कैसे ब्लास्ट हो चुके हैं। तो थोड़ा सा हम लोग खा लेते हैं। तो लामा जो आया था उसका मीट है ये, मतलब उसको मैंने पका लिया था। तो ये देख सकते गाइस, ये पक्षी था, एक पक्षी, मतलब हाँ हाँ एक पक्षी है। तो ये उड़ रहा है, तो बहुत ही मस्त मतलब डिज़ाइन किया गया है यार, मतलब पॉकेट एडिशन के लिए भी। तो चलते हम लोग, अगर कुछ भी होता तो हम लोग को 400 में आना पड़ेगा। तो ये देख सकते छोटा छोटा टर्टल। तो इसमें बहुत सारे मॉब्स, मतलब मॉब बहुत खतरनाक खतरनाक मॉब है। और तो ये क्या है? तो चलते हैं हम लोग को। तो हम लोगों ने एक बेड भी ले लिया है ताकि अगर कुछ हो जाता तो वहीं पे हम लोग, मतलब नाइट हो जाता तो वहीं पे हम लोग सो के बिता सकें। तो चलते हैं, देखते हैं कुछ अच्छा सा जगह। और वहाँ पे गाइस शायद हमें वहाँ पर विलेज मिल गया है, तो हम लोग जाके देख सकते हैं। तो यस गाइस, वो विलेज ही है। तो हम लोग को विलेज मिल चुका है गाइस। तो ये देख सकते हैं न्यू मॉब से, तो ये डर के भाग रहे हैं। ये अच्छा ही है कि ये डर के भाग रहे हैं। तो हमें विलेज मिल चुका है गाइस आखिरकार। तो मेरी ब्राइटनेस कम है, थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस फुल कर लेता हूँ। तो हमें विलेज मिल चुका है, तो थोड़ा सा लो। यस गाइस, हमें आखिरकार विलेज मिल चुका है। तो देखते हैं हमें विलेज में कुछ अच्छा मिल जाए। तो डिज़ाइन तो मस्त किया गया है इसको। तो देखते हैं गाइस, विलेज में कुछ लूटने को अगर मिल जाता है तो। तो गाइस, हमें हे बेल्स मिल चुकी है, तो यहीं पर रहने दो। वो गाइस वहाँ पर और एक मॉब, और मॉब्स देख सकते गाइस, कंगारू या क्या है नहीं पता। और वहाँ पर एक जोम्बी है, तो इसको मारो पहले। तो ओ गाइस, ये कैसे जोम्बी है? और मेरे क्या हुआ है? वीकनेस गाइस, हमें वीकनेस मिल गई है। और ये कौन सा मॉब है नहीं पता, लेकिन भागते रहता है ये। तो ये अजीब अजीब से मॉब्स बनाए गए हैं, ये भी क्या है नहीं पता। तो चलते हैं अंदर जाके देखते हैं कुछ अगर खजाना मिल जाता है तो गाइस। तो एक बेड मिला है, कुछ काम का नहीं। तो एक हो गया है, एक खोल लिए हैं और देखते इधर जाके। तो ये क्या है? तो वो आलू है। तो चल थोड़ा लेके चलते हैं, लेके चलो और देखते हैं गाइस हमें विलेजर मिलता है कि नहीं। लेके चलते हैं सबको, तो हमें आलू मिल जाएगा। तो एक ही तोड़ते हैं, ज़्यादा नहीं चाहिए तो हम लोग खेती कर सके, इसीलिए मैं आलू तोड़ रहा हूँ। तो इसको भी मार लेते हैं, देखते हैं कुछ मिलता तो नहीं है। ऐसे भी अभी मेरे को आरएल क्राफ्ट का मॉब्स को मारते कुछ मिलता ही नहीं है, पता नहीं क्या ग्लिच है या क्या कुछ और है। तो हम लोग हेवेल्स का इसके एंटर हो चुके हैं यहाँ पर। तो अभी हेवेल्स तो सकते तो नहीं चाहिए हमें गाइस। तो चलो या नीचे चलो, बाहर चलो।
तो उस घर में देखते हैं। अरे यार कतई बहुत गजब टाइप से बनाया गया है, तो कोई विलेजर है कि नहीं यार? डेड विलेज हमें मिला हुआ है। तो ये कुआं है क्या? हाँ कुआं ही है, तो कोई है ही नहीं। तो ये क्या है, गाजर है क्या? यस गाइस हमें गाजर भी मिल चुकी है, तो हम लोग गाजर भी तोड़ लेते हैं। और ये क्या है, ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है। तो ये आलू है, चलो चढ़ने दो। तो देखते हैं गाइस हमें कुछ खजाना मिलता है कि नहीं। और ये क्या है, बंदर है क्या वो? गाइस बंदर, लाल बंदर, नहीं पता बंदर ही है या कुछ और है, लेकिन मेरे को तो बंदर जैसा ही लग रहा है। तो देखते हैं और अंदर चलते हैं और देखते हैं कुछ है कि नहीं। तो गाइस विलेज में खजाना ही नहीं है, बेकार विलेज गाइस, हमें एकदम बकवास विलेज मिला है, खजाना ही नहीं है गाइस, एकदम भी खजाना ही नहीं है इसमें। तो इतना घटिया विलेज हमें मिला, अरे मिलना भी तो, इतना घटिया विलेज हमें मिला कि एक भी खजाना ही नहीं है। ये क्या है, यहाँ पर भी तो सेम यही है, तो एकदम घटिया विलेज है गाइस, खजाना ही नहीं है। कुछ तो खजाना मिल जाओ, इससे अच्छा तो मैं लड़ाई कर लेता तो अच्छा रहता। तो देखते हैं इसके अंदर तो मैं गया था, कुछ फ़ायदा नहीं, चलो। अरे यार निकल जा यार, निकल जा, लिटरली ये लोग परेशान करके रखे हुए हैं, डूब जा रहा पानी में। और ये देखो नया नया मॉब, सैंड का मॉब बना दिया है, कतई अजीब अजीब चीज़ों का मॉब बनाया, मतलब मॉब्स बनाए हुए हैं। तो एक ग्रीन स्टोन मिला है, तो इसको ले ही लेते हैं हम लोग, बनाने की ज़रूरत नहीं, इसे बना भी सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगा बनाने का। तो लावा है यहाँ पर, तो लावा का हम लोग क्या करेंगे, तो फर्नेस भी है, फर्नेस का भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अंदर चलते हैं, और एक चेस्ट मिला आखिरकार हम लोग को। वो चेस्ट में गाइस आयरन का चेस्ट प्लेट और ये है, और तलवार है, तो अच्छा है, थोड़ा पहन के देख लेते इसको, और इसको इसको लगाओ यहाँ पर, और इसको लगाओ यहाँ पर। तो अभी चलते हैं बाहर, और रात होने वाली है तो हमें रात में तो घूमना नहीं है, क्योंकि रात में इतने खतरनाक खतरनाक मॉब्स स्पॉन होते हैं ना, तो देख सकते रात हुआ भी नहीं और मॉब्स। अरे यार ऊपर चल जा, अरे यार कते परेशान करके रखा हुआ यार। तो एक में मेरे पास तो है, इतना भी सोचना नहीं है, तो हम लोग बेड यहीं पे लगा के सो जाते हैं। तो यस, लेकिन रिस्पॉन पॉइंट अगर मैं इसको तोड़ देता हूँ तो हमारा रिस्पॉन पॉइंट किसी और जगह में सेट हो जाता है, मतलब हम लोग जहाँ पे है वहाँ पे हम लोग का रिस्पॉन पॉइंट नहीं रहता है, तो इसका यही प्रॉब्लम है, रिस्पॉन पॉइंट पहले जैसा अलग जगह में हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे रिस्पॉन पॉइंट सेट कर देते हैं, ताकि हम लोग मर भी जाए तो यहाँ पे वापस आ जाए, क्योंकि पहले जगह में आएंगे थोड़ा सा परेशानी हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं गाइस अलग जगह में और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो ये तो आ ही चुके थे, गाजर है यहाँ पर, और विलेजर तो हमें मिला भी नहीं। तो चलते हैं गाइस दूसरा जगह में फाइंड करते, कोई मिल जाता अगर तो, या कुछ अच्छा सा स्ट्रक्चर हमें अगर मिल जाता तो। तो चलो यार चलो, तो ये पानी में आ गए हैं, क्या है मशरूम आइलैंड नहीं, तो पानी में आ गए हैं। तो चलते हैं, ये लिली पैड भी मिला हुआ है यहाँ पर, और पानी में गाइस आप लोग देख सकते कि मगरमच्छ। अरे भागो 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 यार, मगरमच्छ कतई पकड़ेगा तो बहुत गंदा डैमेज दे देगा। तो वहाँ पर ओ भाई क्या क्या मॉब्स है यार, तो मैं कितना दूर आ चुका हूँ। तो पहले खाना खाओ, तो तीन कुक चिकन है तो हम लोग इसको खा लेते हैं, और एक खाना पड़ेगा। तो ये रहा, कौन आ रहा यार, ये क्या है, कभी कुछ भी बना दिया यार, मॉब्स बनाए अच्छे हैं लेकिन कुछ मिलता नहीं है, यही सबसे ख़राब बात है, कुछ मिलना चाहिए था इन सबसे। तो इन सबको भी तोड़ते हैं, और उधर दोनों का फाइट हो गया था तो इसको भी तोड़ देते हैं। तो वो देख सकते हैं गाइस पूरा सब आग में जल रहा है, सब पानी से बाहर आ रहे हो, मतलब सुबह हो चुका है। वो चींटी गाइस, बड़ा सा चींटी, मर जा भाई मर जा, बाहर आ गया तू, मर जा मर जा मर जा, दोनों में फाइट हो गया है, कोई मार रहा यार, वो उसको मार दिया मगरमच्छ, उसको मार दिया, तो मर जा मगरमच्छ। ओ मगरमच्छ भी मर गया, लेकिन कुछ ड्रॉप कर देते यार, कुछ ड्रॉप ही नहीं करते ये, तो कुछ ड्रॉप नहीं करते, बकवास। तो हम लोग कुछ बना सकते हैं ऐसे में, तो चेस्ट प्लेट है हम लोग पास, आयरन भी नहीं है, आयरन आयरन छोड़ो अभी नहीं बना सकते हम लोग। तो चलते हैं और देखते हैं फाइंड करके,
कुछ मिलता है कि नहीं, मतलब हमें अच्छा जगह मिलता है कि नहीं। ऐसे भी हमें 400-400 में जाना है, तो हम लोग घूम सकते हैं, देखते हैं और कुछ मिलता है कि नहीं। तो ये कौन सा बायोम में आ गए? तो शायद जिस बायोम में पहले से हम लोग स्टार्टिंग किया था उसी बायोम में हम लोग जा रहे हैं फिर से। तो जा रहे हैं वहाँ से, हम लोग बेम्बूज भी ले लेंगे, बेम्बू जो होता है। तो मॉब्स को मार कुछ फ़ायदा नहीं क्योंकि ये कुछ देते भी नहीं है। तो शायद हमें कुछ अलग स्वॉर्ड से लोगों को मारना होगा ताकि ये लोग कुछ ड्रॉप कर सके। ऐसा ही कुछ प्रोग्रामिंग किया गया होगा इस गेम में शायद से। तो इसको भी तोड़ो, इसको ऊपर से तोड़ देते हैं। एक बचा के रखना चाहिए, कुछ भी जो कभी भी ज़रूरत पड़ेगा तो काम आ जाएगा। तो चलो भागो यहाँ से, वो पीछा कर रहा है, कहते जंप मार मार के आता है वो भी। एक वो भी जंप मारता है, एक ब्लॉक मारना पड़ेगा। तो हम लोग फिर से वापस उसी जगह में जा रहे हैं, मतलब अपना घर की तरफ जा रहे हैं। तो गाइस आज हम लोग इतना ही एक्सप्लोर कर लेते हैं, तो चलते गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा और प्रेस कीजिएगा उस बेल को ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हम लोग अपना घर पहुँचने वाले हैं, तो उधर मेरे को वो जो स्ट्रक्चर दिखने लग गया तो इसका मतलब हम लोग घर पहुँच ही गए हैं, समझ लीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड। एंड करने से पहले मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे बेम्बूज के पेड़ लगे हुए हैं, तो थोड़े से मैं बेम्बूज भी इकट्ठा कर लेता हूँ तो काम आएंगे। तो यही मेरे को दिखाना था। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। तो गाइस आप लोग कमेंट जरूर से कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग अच्छे से कमेंट करते हैं तो मैं आप लोगों को अपनी वीडियो में शाउट आउट दूंगा। तो जो जो कमेंट करेगा मैं अपनी वीडियो में उन लोगों का नाम एक जगह में लिखूंगा, जैसे मैं पहले किया करता था। तो गाइस आप लोग जरूर से कमेंट कीजिए ताकि मैं आप लोगों के नाम लिख सकूँ। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।